नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह, आस्था फाउंडेशन से। आस्था फाउंडेशन जिस हिसाब से वर्क फॉर लाइफ के नाम से जो डायबिटीज जागरूकता अभियान चला रही है, इसी के तहत हमने एक कंपेन शुरू किया है, डायबिटिक डायलॉग फॉर। डायबिटीज हर अंगों को प्रभावित करती है और इस डायलॉग फॉरम में हम हर अंग के डॉक्टर्स को लेकर के आपसे रूबरू होते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं, बताते हैं कि डायबिटीज से कितने किस तरह से क्रोनिक हो रही है। सोशल मीडिया का समय है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप इस को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करें। आज हमारे साथ है शहर के जाने माने न्यूरो सर्जन IGIMS के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमेंद्र कुमार सिंह। सर बताएं कि ये जो डायबिटीज है ये न्यूरो को किस तरीके से प्रभावित करती है? देखिए, डायबिटीज हर अंगों को प्रभावित करती है और खास करके जो नस या न्यूरो का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि नस का जो ऊपरी लेयर है जो कि कोटिंग होता है माइलिन शीथ से, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है और अत्यधिक ग्लूकोज जमा होने की वजह से उस नस का कवरिंग, जैसे बिजली का तार होता है उसके ऊपर कवर होता है, अगर कवर नहीं रहे तो शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। उसी तरह नस के ऊपर जो कवर है वो डायबिटीज के चलते डैमेज हो जाती है और डैमेज होने की वजह से बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीजों को देखेंगे कि पैर में झुनझुनी होना, सूनापन होना, पैर में कमजोरी आना, ये सब डायबिटीज में ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं होने की वजह से नस के ऊपरी लेयर डैमेज होती है और उसके वजह से नस डैमेज होने से पैरालिसिस या नस उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो डॉक्टर ये बताएंगे कि ये तो ठीक है, डायबिटीज को लेकर के जो एक गलत फहमी थी कि नर्व्स को भी प्रभावित करता है, ये प्रभावित आपने बता दिया। अब ये बताइए, जो हमने ये डायलॉग फोरम शुरू किया है इसका इम्पैक्ट क्या है, ये जो शुरू किया फोरम हमने, कितना अच्छा है ये फोरम? ये आपके द्वारा, आस्था के द्वारा जो चलाया गया आपका डायबिटीज कंक्लेव है, उसके वजह से लोगों में काफी जागरूकता आने से मुझे लगता है कि अगर शुरुआती स्टेज में ही इसको रोका जा सके तो बहुत हद तक मरीज का जो स्थायी उसका डैमेज है उसको रोका जा सकता है। डायबिटीज को आपका जो डायलॉग है इससे हम आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे उसको शुरुआती स्टेज में ही डायबिटीज को कंट्रोल करें, उससे नस अफेक्ट होना मतलब बच सकते हैं। अब देख, आप जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि न्यूरो नर्व्स को कैसे डायबिटिक प्रभावित करती है, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे डायबिटिक प्री डायबिटिक पेशेंट्स भी देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं कि डायबिटीज हर अंगों को प्रभावित करती है, तो ये फ्रूटफुल होगा समाज के लिए और हमारे लिए भी। धन्यवाद।